सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अगेन खुशी चौधरी चैनल। सो गाइज, आज है भैया दूज और मैं जा रही हूँ होने रेडी। सो मिलते हैं 5 मिनट बाद, तब तक के लिए वेट करिए। सो गाइज, मैं हो चुकी रेडी और अब जा रही हूँ सीधा पूजा करने। यहाँ पे मैं बना रही थी फ्लावर, क्योंकि इस फ्लावर पे हमारी छोटी सी टोकरी होती है जिसके अंदर 5 सुपारी और द्वीप और चांदी का कुछ सामान होता है। हमारे यहाँ बिहार के यहाँ पे ऐसी ही बनती है भैया दूज, और यूपी साइड में अगर आप देखेंगे तो नारियल वाले से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऐसा ही बनता है। बहुत अलग तरीके से बनता है गाइस, बहुत लिटरली बहुत 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 मज़ा आता है मुझे तो सच में। उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल के आटे को घोल लिया था और उससे मुझे फ्लावर बनाना था। मेरी चुन्नी बार बार गिरी थी गाइस, मेरे को संभाल ही नहीं जा रही थी, तो मैंने कहा उसको बांध लिया फेंक दूँ, समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने कैसे भी करके एडजस्ट किया और भाभी हंस रही थी क्योंकि वही वीडियो बना रही थी मेरी। एंड उसके बाद फिर मैंने फ्लावर डाला और मैंने फ्लावर बनाया। फ्लावर बनाने के बाद फिर इस पर मैंने टीका लगाया सिंदूर से, और उसके बाद ये है मेरा फाइनल आर्ट। उसके बाद मैंने अपने भाई की पूजा करने के बाद मैं और मम्मी निकल गई फरीदाबाद के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेरे मामा के लड़के हैं और मेरा जो फेव वन है जिसके साथ मैं काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी वीडियोस लगाती हूँ यूट्यूब पे भी, सो वो मेरे को काफ़ी टाइम से बुला भी रहा था। एंड फिर मैं और मम्मी पहुँच गए एंड वो हमारे नीचे ही वेट कर रहा था स्कूटी लेके। वो हमेशा ही जब भी हम आते हैं तो हमें सेक्टर 28 में मिल जाता और हम स्कूटी लेके आता हमारे लिए। एंड दूर से मैं आपको दिखाऊंगी, वो बाहर ही खड़ा था और मम्मी पीछे आ रही थी। उसके बाद इसको देखा, मैंने कहा गधे देख देख, बट वो पता नहीं किससे बात कर रहा था, आई थिंक गर्लफ्रेंड होगी वो, उससे लगा होगा, बट कोई नहीं गाइज। हम नीचे गए एंड स्कूटी पे बैठ के पूछने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, उसके बाद मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। एंड अब मुझे एक सरप्राइज़ मिला है मेरे भाई से, उसे मूवी टिकट मेरे बुकिंग कर रखी थी सिंगम अगेन देखने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्योंकि इसको मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा। एंड ये स्कूटी पे मेरे को लेके जा रहा है। 6:15 की हमारी मूवी की टाइमिंग है, सो हमें जल्दी से जाके पेट्रोल भरवाना है एंड उसके बाद फिर हम सीधा मूवी में पहुँचेंगे, वहाँ जाके मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे हमने भरवाई पेट्रोल और उसके बाद फिर हम दोबारा रवाना हो गए मॉल की ओर। यहाँ हम पहुँच चुके हैं मूवी थिएटर में एंड यहाँ करी मेरे भाई ने पार्किंग स्कूटी, और उसके बाद फिर हम लोग स्कूटी पार्किंग में करके कुछ खाने के लिए निकल गए, क्योंकि गाइस हमें बहुत भूख लग रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। तो हमने एक ब्रेड सैंडविच के यहाँ पे हमने रुके और हमें अच्छा भी लगा कि काफ़ी टेस्ट उसका चल रहा था, मींस काफ़ी लोगों ने तारीफ भी करी थी कि काफ़ी अच्छा बनाता है वो। फिर जब उसने हमें बना के दिया तो मेरा भाई उसको बताया था इसका चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंड वो मेरे से लिया भी, उसने सब्सक्राइब भी किया। गाइस बहुत अच्छा था वो, बहुत अच्छा। एंड उसके बाद जब उसने ब्रेड सैंडविच बनाया और ब्रेड सैंडविच जब मैंने खाया, इट वॉज रियली 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 गुड गाइज। एंड उसके बाद जब भी मेरे को सैंडविच दे रहे थे तो उस टाइम मैंने इन्हें कहा हेलो हेलो, तो मैंने इनकी वीडियो बना ली, मैंने कहा ओके हेलो। एंड फिर मैंने अपने भाई से पूछा कैसा टेस्ट है, फिर मैंने टेस्ट किया, सो गाइज इट वॉज रियली गुड और मुझे तो बड़ा मज़ा आया। उसके बाद फिर हम चले गए मूवी मीन्स मॉल में, एंड मॉल में फिर हमने एक दो फोटो खिंचवाई, और उसके बाद फिर ऑडिट 3 था हमारा रूम। उसके बाद हम ऑडिट 3 के रूम में गए और थोड़ी सी वीडियोस बनाई शीशे के बाहर, क्योंकि बहुत बड़ा शीशा लगा था तो सारे ऐसी वीडियो बना रहे थे। एंड मैंने फ्लैश ऑन कर रखा था तो थोड़ा सा मेरा मुंह नहीं आया, बट कोई नहीं गाइस ठीक है। और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा मैंने फ्लैश ऑफ करके अपनी लुक दिखाया, ओहो पड़ी हूँ मैं। सो उसके बाद हम गए अंदर, सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, और उसके बाद हमारा चला राष्ट्रीय गान। आई लव इट कि आज के लोग भी हमारे भारत के लिए खड़े रहते हैं,
सबने राष्ट्रीय गान किया एंड उसके बाद फिर हमारी हुई थी मूवी स्टार्ट, सिंघम जी आ चुके थे एंड हमने मूवी देखी और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे तो गाइज, और बहुत भीड़ भी थी एंड उसके बाद मूवी देखने के बाद मूवी का हो गया दी एंड और हम सारे सोचे थे यस मूवी तो बहुत अच्छी थी। फिर हम निकले बाहर की ओर और मेरा और भाई, मैं और मेरा भाई पोज मारे थे थोड़ा सा, और थोड़ा सा इतरा कर हम परियों को दिखाकर, परों को दिखाकर निकल गए यहाँ से बाहर। बाहर निकलने के बाद मूवी तो हो चुकी थी ख़त्म और सारे लोग जा रहे थे। फिर हमें लगी भूख तो हमने खाया वड़ा पाव, और वड़ा पाव मैंने थोड़ा ही खाया गाइस क्योंकि बाहर का मुझे मना है, तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट के लिए खाया एंड उसके बाद फिर मैं और मेरा भाई निकल गए घर की। और वीडियो तो गाइस यहीं ख़त्म होने वाली थी, मैंने पूरी एंडिंग दे दी थी यहाँ पे, बट गाइस मुझे घर जाके इन लोगों ने मुझसे चीला बनवाया, चीला, इन लोगों का पेट नहीं भरा तो मुझे बड़ा गुस्सा आया गाइस, बट कोई नहीं भाइयों के लिए तो इतना चलेगा। सो फिर मैं गई घर पे और मैंने चीला बनाया और चीले का पेस्ट मैं रेडी कर चुकी थी 10-15 मिनट में ही, और मैं इसकी वीडियो नहीं डालने वाली थी बट मेरे भाई ने वीडियो बना दी इसकी, तो मैंने कहा चलो क्यों ना एडिट कर दिया जाए। सो आज के पूरे दिन का व्लॉग होता है यहीं ख़त्म, भाई दूज स्पेशल वीडियो। गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले गाइस, प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।